हेलो फ्रेंड्स, आज इस वॉलेंट डोर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ आप लोगों के पास। बारिश की वजह से, मॉइस्चर की वजह से हो जाते हैं, ये एक्चुअली आम बात है। बहुत सारे घरों पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ कुछ वुडन वुड ऐसा होता है कि मॉइस्चर में फूल जाता है। तो एक्चुअली मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम हुआ है और डोर खोलने में इतनी तकलीफ हो रही है मुझे कि आपको मैं बता नहीं सकता। शायद आप लोग फील करते हैं जिसके घर पे ये हो रहा है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह ये डोर ये हो रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है खोलने में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं पूरा जोर लगा दे रहा हूँ, खुल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना तकलीफ झेलना पड़ा मुझे इस डोर को खींचने में। एक्चुअली मुझे जानना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले मैं सब लोगों को आपको मैं एडवाइस यही दूंगा कि सबसे पहले यहाँ के इंजन देख लीजिए। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मेरे डोर की इंजन प्रॉपरली फिट हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब जगह पे डोर्स इंजन एक्चुअली प्रॉपरली फिक्स हुए हैं। तो अल्टीमेट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुआ है। आपको मैं उधर से लाइट डाल के भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे ये फूल गया है करके। आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे अटक रहा है ये डोर। आप देख सकते हैं इजली इस जगह पे अटक रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लियर ये है। बॉटम में ही एक्चुअली इस जगह से यहाँ तक एक्चुअली अटक रहा है ये डोर। ऊपर क्लियर है और मैं सबसे टॉप में भी आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मुझे इस जगह पे भी अटकने जैसा लग रहा है। तो अभी प्रॉब्लम तो पता चल गया, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे है करके। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको अल्टीमेटली दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके घर पे, हर एक के घर पे ये रहता ही है। आपको इस चीज़ के लिए किसी कारपेंटर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कारपेंटर के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल और बहुत ही सस्ता टिकाऊ आपको मैं चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत लाइफ लॉन्ग आपके लिए आपके साथ रहेगा, ये काम करेगा। तो वो टूल्स है मेरे पास, ये कैंडल टिडिंग। तो आपको मैं दिखाते हूँ, डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा एक्चुअली। तो मेरे पास एक्चुअली दो कैंडल्स हैं, तो ये कैंडल आप जला के रखिएगा और दूसरा कैंडल थोड़ा मेल्ट कर लीजिए। इसके वैक्स से आपको अफेक्टेड एरिया में आपको यहाँ पे लगाना है, ऐसे करके, ऐसे थोड़ा अच्छे से ही लगा दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा मेल्ट करके लगा दीजिए, क्योंकि विदाउट मेल्ट ये चिपकता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डोर खोलने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इसलिए यहाँ पे। और मैं आपको बताया था इस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा चिपका देता हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से वैक्स लगा दिया है। वैक्स लगाना हो गया है, तो आपके सामने ही मैं लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैं इमीडिएट लगाने के बाद इमीडिएट आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ये काम करेगा। एक्चुअली ये ज़रूर काम करेगा फ्रेंड्स, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये रहेगा। तो अभी देखते हैं कितना ईजी से जा रहा है। तो लॉक हो गया है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ट्राई करता हूँ मैं, सिंपल खींच रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए कितना आसानी से डोर खुल रहा है, आपकी जितनी भी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये 100% जेन्यून है फ्रेंड्स, बहुत इजी वे सॉल्यूशन है। आप ज़रूर कोशिश कीजिए घर पे, अगर आपके घर पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है।